मैं और सुहेल वैसे बचपन से फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को बचपन से जानते हैं काफ़ी अच्छी तरह से। हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बट कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि शादी के लिए सोचा या कुछ। पर देन जब फैमिलीज ने दोनों तरफ से सजेस्ट किया ट्रांजिशन फ्रॉम फ्रेंडशिप टू बिकमिंग लाइफ टाइम पार्टनर्स वॉज वेरी इजी। इट डिडन टेक लॉन्ग, इट वॉज लाइक एज इफ इट वॉज मेंट टू हैपन। शादी की तैयारियां हमने शुरू की जान से, 6 months ऑफ प्लानिंग, बहुत सारी आइडियाज़, और आई थिंक पूरा प्रोसेस हम दोनों को काफ़ी क्लोज लेके आए। उस समय तो ये नहीं सोचा था कि हम शादी करेंगे, लेकिन जब हमारे रिश्ते की बात हुई तो आई वॉज रियली एक्साइटेड बिकॉज शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, शी इज़ द टाइप ऑफ गर्ल दैट आई ऑलवेज वॉन्टेड। तो इसलिए मैं बहुत खुश था, आई वॉज रियली ओवर द मून। एंड देन अब एक साल की कोर्टशिप के बाद शादी का वक्त आ गया है। निकाह का डे विच वॉज लाइक इट हैपन्ड वेरी फास्ट टू बी ऑनेस्ट, निकाह बहुत जल्दी हो गया, बट उस दिन वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही अच्छे। बोर्ड से उसने जो एंट्री ली वो बहुत बहुत अच्छी एंट्री थी, आई रियली इन्जॉयड दैट एंट्री। मेरी बिटिया सहर, इसको मैं हमेशा से कलेजी की टुकड़ी बोलती हूँ या चंदू बोलती थी। वो हमेशा से मुझे लगा है कि वो बहुत ही अलग है सबसे। उसकी छोटी थी, उसकी हाइट कम थी, सब ऐसे ही बोलते, लेकिन जब डॉक्टर को बताया उन्होंने बोला कि इस हाइट कम है पर इतना ही तेज़ इसका दिमाग है। और रियल में ऐसी ही है, वो सबसे अलग, सबसे निराली। जब उसने सुहेल को पसंद किया तब भी हमें लगा कि जब उसने पसंद किया तो ज़रूर उसमें भी कोई ऐसी ही निराली चीज़ें होगी। और सुहेल भी ऐसे ही हैं, उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बस मेरी दुआ ये है कि हमेशा इनकी जोड़ी सलामत रहे। सहर जो मेरी ज़िंदगी है, जो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। सुहेल साहब भी माशाल्लाह एक बड़े ही डायनामिक, वेल इन्फॉर्म्ड, एजुकेटेड पर्सन है। एक बात सहर की बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि वो बचपन में जब वो किसी के साथ भी जाती तो इसके साथ इस कदर मिल जाती कि जैसे वो अपना खुद का हो गया, वो उसका खुद का करीब का एक दोस्त है, यार या करीब का रिलेशनशिप बन गया। वो आज भी बरकरार है, वो जहाँ भी जाती है रिश्ते कायम करती है।
जो तेरे संग लागी प्रीत मोहे रू बार बार तेरा नाम ले के रब से मांगी यही दुआ तू हाथों की लकीर थाम ले के संग तेरे पानियों सा पानियों सा पानियों सा बहता रहूं तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं के संग तेरे बादलों सा बादलों सा बादलों सा उड़ता रहूं तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं वाले दिन सर ने पूरे हाथ और ऑलमोस्ट पूरे पैर पे मेहंदी लगाई थी हाथ पे उसने मेरा नाम भी लिखवाया था जो अनफॉर्चुनेटली मैं ढूंढ नहीं पाया और शादी के 3 दिन बाद उसने मुझे बताया कि उसने मेरा नाम कहाँ लिखवाया था बट एक चीज़ जो मुझे मिली वो थी उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड का लोगो बनाया था और मैं बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड का एंड आई रियली इन्जॉयड दैट मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने उसका लोगो बनाया था मैंने उसी समय पिक्चर लेके इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दी थी तो वो एक एक बहुत अच्छी याद मेरे जहन में और मेरे दिल में रहेगी हमेशा से करती है दोस्ती निभानी हो या किसी को सपोर्ट करना हो शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू और ये सबसे सबसे स्पेशल चीज़ है उसके एंड आई लव हर फॉर दैट जो मैं सुहेल के साथ देखती हूँ सहार एंड सुहेल आर सो कंपैटिबल जहाँ वो कम है सुहेल उसको कंप्लीट करता है जहाँ सुहेल है कम मिलता है वहाँ सहार उसको कंप्लीट करती है सो आई थिंक द टू ऑफ देम आर लाइक यिन एंड यांग दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड आई कैन सी द दिल शेयर अ ब्यूटिफुल फ्यूचर टुगेदर तो मेरी दुआ बस यही है शी इज़ बिन एन ऑसम ऑसम डॉटर एन इवन बेटर फ्रेंड एंड नाउ एन इवन बेटर वाइफ एंड आई सी दैट हैपनिंग ऑलरेडी सो आई विश देम ऑल द बेस्ट Baby
one of the most coolest persons I've ever met. Like she's been to, she travels to Canada, Bombay, yahan wahan ghoomte rehti hai. She's like a hippie, a total hippie, and she kinds of gels well with people. Bahut acche se gel karti hai wo, and that's the quality I like about her. वो मतलब इतना लोगों को शी विल मेक देम फील सो कम्फर्टेबल दैट यू विल ऑलवेज वॉन्ट टू बी विद हर एंड शी इज़ बहुत ही स्वीट हार्ट है वो शी इज़ अ सच अ स्वीट पर्सन या सहर आई विल मिस यू अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज कीप स्माइलिंग कीप दैट प्रिटी चिंकी स्माइल ऑन योर फेस यू लुक गॉर्जियस एंड आई नो सुहेल लव्स यू अ लॉट सो वी डू वी ऑल्सो लव यू अ लॉट प्लीज डू मिस अस गॉड ब्लेस यू इन द बिगनिंग We met her, actually I met her during our trip to Kashid. And I met her on the first day of college, HR college, first day, and she was my first friend in Bombay. And then there we had so many trips, we went to Kashid, we went to Goa, we went so many places for clubbing, partying in Bombay. वेडिंग बहुत प्रिटी लग रही थी बोट में उसकी एंट्री बहुत अच्छी थी पहली बार तो लाइक उसकी एंट्री संगीत पे थी बाइक पे थी बहुत प्रिटी एंड नेक्स्ट टाइम वो लाइक ओ माय गॉड व्हाट इज शी गोना डू नेक्स्ट तो देखा तो बोट से एंट्री कर दिया उसने इट वाज लाइक हाईलाइट ऑफ द वेडिंग बहुत प्रिटी लग रही थी वो ब्राइड के आउटफिट में मैडम जी देसी फैशन में लाइटी बोली में घोली मीठी इलायची हिले ऊंची फौरन रिटर्न नखरा बातें बड़ी है हाय फाय बिगला पिया पे एटीट्यूड वखरा झूमे ऐसे ना रोकी जाए ओ जदो नचे बेबी सज धज लगदी है ठाए 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 Sahar, you've always been there for me, for all of us. You're amazingly lovely person. And we like it when you take offense. We love it. But she's so active and full of joy and so beautiful she's as ever. Full of life, full of joy. So especially the dance that all of us did with Sahar on the Sangeet, that was like amazing. And the way she proactively, she was like, you know, hey guy, you guys are doing it. I wanna join you guys. And that was amazing because you know most of the brides are like you know oh we have to be this way and you know we have to be calm and poised and this but no Sahar is like this little bundle of joy. Suhail is a lovely person. We all love Suhail. But Suhail, good luck. Really, really good luck. With everything. Drop the belt. किन तो ले का कंगना मुँह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना हरे दो तो ले की मुंदरी ला दे किन तो ले का कंगना मुँह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना
चलो झटके पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके जरा सा जरा सा जरा सा टेढ़ो हो जा बाल मां पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके मुन्नी तेरी आंखें झनक झनक बजे मुन्नी तेरा ब्रेसलेट चमक चमक सजे तुन्नी 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 तेरी आंखें झनक झनक बजे मुन्नी तेरा ब्रेसलेट चमक चमक सजे बालकनी पे तेरी आंख गड़ा के नाच छोरे द्वारे रे सबसे अच्छी बात ये कि मुझे हमेशा से एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसके साथ मेरी फैमिली बहुत कंफर्टेबल रहे, वो मेरी फैमिली के साथ घुल मिले और उतना ही क्लोज़ रहे जितना मैं क्लोज़ हूँ, क्योंकि मैं मेरी फैमिली से बहुत क्लोज़ हूँ। और पता ही नहीं था कि सुहेल मिलेगा, जो हम मेरे पेरेंट्स उसको बचपन से जानते हैं और हम सब स्पेशली मेरे पेरेंट्स के साथ उनका कनेक्शन, मेरे पापा और सुहेल का कनेक्शन ऐसी लगता है जैसे कि वो दोनों फादर एंड सन हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पेरेंट्स उसको इतनी अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया है और उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि हमारी फैमिली में कभी लगता ही नहीं कि वो अभी एक साल से ही जुड़ा है, ऐसी लगता है कि हमेशा से हमारा हमारे फैमिली का हिस्सा रहा है। द बेस्ट फीलिंग इज़ दैट आई मैरिड अ फ्रेंड। यू कैन ऑलवेज फाइंड अ लवर इन योर फ्रेंड एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड दैट एंड आई फाउंड दैट। के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए, तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहती है खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए, तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है
फिर क्या फिकर है, जीने की वजह यही है मरना, इसी के लिए कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए, किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए। मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि ए मालिक, तो जिस तरीके से उसको तूने उसका बचपन गुजारा, उसकी जवानी जिस तरीके से अभी तक वो रही है, जिस तरीके से वो लोगों से मिली है, जिस तरीके से उसकी ज़िंदगी गुजरी है, अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगा कि मालिक उसकी ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही रहे, ऐसे ही रहे, ऐसे ही खुश और खुर्रम रहे, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। हर गम संग तेरे सहना जी, मैं ता तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहां ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। I think I've seen Sahar transition from a teenager to this beautiful woman that she is today. I've seen her show up at work late, have incomplete assignments, to effectively managing this entire wedding and pulling off every single detail. I'm so happy for her and I wish Suhail and Sahar a lifetime of happiness. Jaise ki ye badi stylish hai, jahan jaate यही बात बोलती, पापा मम्मी आप ऐसे करो, ऐसे देखो, ऐसे करोगे, जैसे एक बार बोला पल्ला ऐसे करो, तो मैंने बोला क्यों, कि इस पल्ले में पप्पा दिखेंगे अपन को, तो तब मैं ऐसे सोचती थी। लेकिन आज जैसे इसी सब चीज़ से आपको लगता है, जो ये अरेंजमेंट किया, जो भी डेकोरेशन, जो भी कपड़े हमने पहने, जो भी कोऑर्डिनेशन, ये सारा कुछ सिंगल हैंडेडली उसी ने ऑर्गेनाइज़ करवाया। खुज यार नू कमले दर दर जा कर, सुन यार नू लब ना पाया, इसक हिजर किताबी गल्ला।
तेरा यार तरफ मैं समाया, वो तेरा यार तरफ मैं समाया, तेरा यार तरफ मैं समाया, तेरा यार तरफ मैं समाया। सो इंशाल्लाह इन दोनों की जोड़ी अल्लाह हमेशा हमेशा सलामत रखे, हमेशा खुश रखे। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। सब आज जो यहाँ पर गैदर हुए हैं उनकी गैदरिंग और उनकी ब्लेसिंग हमेशा उनके साथ रहेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।